महागणपतिम् श्री महागणपतिम् श्री महागणपतिम् मनसा स्मरामि 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 वसिष्ठवामदेवादिवन्दित महागणपतिम् मनसा स्मरामि वसिष्ठवामदेवादिवन्दित महागणपतिम् महादेवसुतम् महादेवसुतम् कुरु कुहनुतम् महादेवसुतम् कुरु कुहनुतम् मारकोटि प्रकाशं शातम् मारकोटि प्रकाशं शातम् नमस्ते, मेरा नाम अखिलेश है। आज मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बोल रहा हूँ। हर साल 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। उन्होंने भारत में सामाजिक असमानता और जातीय व्यवस्था को पूर्ण रूप से समाप्त करने में योगदान दिया। वे कानून, राजनीति, विज्ञान और अर्थशास्त्र के विद्वान थे। वे दार्शनिक और महान वक्ता भी थे। वे स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री भी थे। साल 1951 में प्रधानमंत्री द्वारा इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। साल 1956 में डॉक्टर अंबेडकर बौद्ध धर्म अपनाया था। उनके पास 32 डिग्रियां थी और वे 9 भाषाओं में निपुण थी। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम बंटू दक्षेश है। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। आज मैं यहाँ भारत की गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के बारे में बताने आया हूँ। 26 जनवरी को पूरा भारत गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारत की संविधान लागू हुआ था। 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने औपचारिक रूप से भारत की संविधान अपनाया। गणतंत्र दिवस परेड राजपथ से शुरू होती है और दिल्ली के लाल किले पर समाप्त होती है। जब हमें स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिला, तब हमारा कोई राष्ट्रीय गान नहीं था। वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का पहला संस्करण 1921 में बिजवाड़ा में पिंगली वेंकैया ने के द्वारा बनाया गया था। धन्यवाद। नमस्कार, सबसे पहले मैं संदीप पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य और शिक्षकों को मुझे अवसर देने के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज मैं गणतंत्र दिवस के बारे में बोलने वाली हूँ। गणतंत्र दिवस हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। हम इस साल भारत अपना 73वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। हम अपने देश के ऐतिहासिक क्षण को याद करने के लिए गणतंत्र दिवस मनाते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं, भारत को आज़ादी 15 अगस्त 1947 में मिली थी। 1947 से पहले भारत का अपना संविधान नहीं था। अंग्रेजों को कानूनों का पालन किया। कई मुश्किलों के बाद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक समिति ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। उसी दिन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने। नई दिल्ली में राजपथ पर गणतंत्र दिवस मनाते हैं। समारोह का आयोजन रक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है। गणतंत्र दिवस के मुख्य आकर्षण में परेड की शुरुआत राष्ट्रपति भवन के गेट से होती है और उसके बाद इंडिया गेट के पास रायसीना हिल
से होती है। गणतंत्र दिवस मार्च भारतीय संस्कृत और सामाजिक विरासत का को दर्शाता है। राष्ट्रीय राजधानी में राजपथ पर ध्वजारोहण समारोह ज्यादातर सुबह 8 बजे होती है, जिसके बाद राष्ट्रपति द्वारा गणतंत्र दिवस का भाषण होता है। भारतीय थल सेना और वायु सेना के विभिन्न विषयों के साथ साथ वर्ष की सजावट में उनके भीड़ बहुत अधिक है। देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीरों को पुरस्कार दिया जाता है। भारत के राष्ट्रपति हर साल नागरिकों को पद्म पुरस्कार वितरित करते हैं। पुरस्कार के 3 श्रेणियां हैं, पद्म विभूषण, पद्मश्री। हर स्कूल कॉलेज में गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया जाता है। मैं ये कहकर अपना भाषण समाप्त करना चाहती हूँ कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हम नागरिकों को नेता चुनने की विशेषाधिकार प्राप्त है। हमें जिम्मेदार होना चाहिए और देश की समस्याओं को हल करने में योगदान देना चाहिए। प्रदूषण और रोजगार के साथ साथ स्वीकार्य रूप से एक कर्तव्य का पालन करना और अच्छे मूल्य का विकास करना चाहिए। धन्यवाद। नमस्ते, मेरे नाम लिनेशिया है। सभी को गणतंत्र दिवस का शुभकामनाएं। आज मैं गणतंत्र दिवस पर एक छोटी सी अच्छा कविता सुनाने जा रही हूँ। मुझको मेरा देश पसंद है, इसका हर संदेश पसंद है। इसकी मिट्टी में मुझको आती सोंधी की सुगंध है। इसकी हर एक बात निराली, इसकी हर सौगात निराली। इसके वीरों की गाथा सुन आती एक नई उमंग है। कितनी भाषा कितनी लोग, हर एक ही एक नई ही सोच। मेरा देश एक बड़ा महान है, ये है एक गुणों की खान। देख ली हमने सारी दुनिया, पर देखा ना भारत जैसे। इस मिट्टी में मैं जन्म लिया है, इसकी हवाएं की टंटक से। सांसे पाते नया जन्म है, मुझको मेरा देश पसंद है। धन्यवाद। हाय, तुम कैसे हो राहुल? मैं ठीक हूँ, और तुम्हारा हाल क्या है? मैं भी कुशल हूँ। जानते हो, आज मेरे हिंदी जी हिंदी भाषा के बारे महत्व के बारे में पढ़ाई, जिससे मुझे हिंदी में रुचि जागृत हुई। मुझे भी बताओ ना। जरूर दोस्त, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भारत का पहचान है। हिंदी भारत के राजभाषा है। हिंदी कहाँ कहाँ बोली जाती है? हिंदी पूरे भारत और दुनिया के कई देशों जैसे अमेरिका, मॉरिशस, मलेशिया, नेपाल आदि में बोली और समझी जाने वाले भाषा है। हिंदी कैसी भाषा है? हिंदी सरल, सहज और सुगम लचीली भाषा है, जिसे सीखने में विशेष कठिनाई नहीं होती। मुझे पता है कि भारत बहुभाषी देश है। हाँ दोस्त, भारत में कई भाषा बोलती जाती है, पर भारत को एकता के सूत्र में बांधने में हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका है। हिंदी को राजभाषा की दर्जा कब मिला? हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने वर्ष 1949 सितंबर को चयन किया। इसी दिन हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। दोस्त, आज मुझे भी हिंदी सीखने का रुचि पैदा हुई है। मैं तुम्हें सिखाता हूँ, और साथ साथ तुम समाचार, हिंदी कार्यक्रम, गीत सुनकर और मुझसे बात करके बोलचाल हिंदी सीख सकते हो। जरूरी, मैं हिंदी बोलना का प्रयास करूँगा। भाषा ज्ञान के भंडार को विकास करता है। हमें बहुभाषी होना चाहिए, तभी हम जीवन में सफल हो सकते हैं। To have another language is to possess a second soul. A different language is a different mission of life. If you talk to a man in a language he understands, it goes to his mind. If you talk to a man in his own language, it goes to his heart. Learn many languages. Utilize this pandemic time usefully. Dhanyavaad doston. Alvida.
वंदे मातरम वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामला मातरम वंदे सुहासिनी सुमधुर भाषिनी सुखधा वरधा मातरम वंदे मैं कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगी, उसमें आपको कुछ कार्टून्स के नेम गेस करने होंगे। अभी पिक्चर्स देखिए और कार्टून का नाम गेस कीजिए। वक्त जा रहा है। और आंसर है मिक की माउस। माइक की और माउस मिला के बन जाता है मिकी माउस। तो अब नेक्स्ट वाला में चले। ये तो बहुत इजी है, ये आप बचपन में बहुत देखते होंगे, पर अब आपको ये जरूर बोरिंग लगता होगा। फर्स्ट वन है डोर और आ डोरा द एक्सप्लोरर। फिर नेक्स्ट वाला में चले। नेक्स्ट है ये टाइम, एकदम शुरू हो रहा है। ये बहुत लोग को अननोन होगा, पर ये किसी बहुत अच्छे कॉमेडियन के ऊपर है, मिस्टर बीन। ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, बहुत सारे लोग इसे देखते होंगे। सोचिए और टाइम खत्म। आंसर है देन टेन। अगर हम इसे थोड़ा प्रोनाउंस अच्छे से करें तो बन जाएगा देन टेन। अब नेक्स्ट वाला में हम चलने वाले हैं। सोचिए फर्स्ट वाला क्या है, सेकेंड वाला और लास्ट वाली कौन है। फर्स्ट वन है निंजा, सेकेंड वन है हैट और डोरी। निंजा हथौड़ी। मेरा नाम संजय कुमार है, मैं आठवीं कक्षा में पढ़ता हूँ। शहीदों का सपना जब स्वच्छ हुआ, हिंदुस्तान तब स्वतंत्र हुआ। आओ सलाम करो उन वीरों को, जिनकी वजह से भारत गणतंत्र हुआ। भारत गणतंत्र हुआ। माननीय मुख्य अतिथि और मेरा प्यारों देशवासियों, अगस्त 1947 को हमारा देश ब्रिटिश हुकूमत से आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद हमारा देश को सही तरह के चलने के लिए कोई नियमों और कानून नहीं था। समय डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी के नेतृत्व के स्थापित समी द्वारा 2 साल 11 महीनों और 18 दिनों से अथक परिश्रम के बाद भारत के सशक्त संविधान तैयार गया है। जनवरी 1950 में भारत देश के अपने संविधान लागू किया। उसी समय हमारा देश सार्वभौम गणतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ। हमारे देश का संविधान पूरा विश्व सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हम महान संविधान ने हम अपने हम और अध्यापिकारी
के लिए लडान की ततक दी है। धन्यवाद।